हे गाइस, वेलकम माय चैनल कॉस्टिक पार्टी। मेरा नाम है सैनिक। गाइस, आज जो हम लेसन करने वाले हैं, कोई लेसन नहीं है। मुझे काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर, हम लोग बिगिनर्स हैं, प्लीज़ हमें कोई स्ट्रमिंग पैटर्न्स बताइए बिगिनर्स के लिए। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 स्ट्रमिंग पैटर्न्स, जो कि सब बजा सकते हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों। राइट दोस्तों, तो सीखते हैं टॉप 5 स्ट्रमिंग पैटर्न्स ओनली ऑन कॉस्टिक पार्टी। कमिंग अप नेक्स्ट, ओके दोस्तों, चलते हैं पहले स्ट्रमिंग पैटर्न की तरफ, जो इस तरीके से है। ये बहुत सिंपल है, सबके सब जो भी बेसिक सिखाते हैं, जो भी बेसिक सीख रहे हैं या सिखाते हैं, जो भी सिखाता है, ये पैटर्न जरूर सिखाता है दोस्तों। ये सबसे इजी है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। आप लोगों को इसमें सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्क्रीन पे देखें किस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, बस उस डायग्राम को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, स्ट्रमिंग पैटर्न को पहले समझिए। डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। आप कॉलम में देख सकते हैं कि कौन से कॉलम में मैंने सेपरेट किया हुआ है, किस तरीके से सेपरेट किया है। तो आपका डाउन जो है वो सेपरेट बजेगा, डाउन, ठीक है। उसके बाद है डाउन अप। आपको ये डाउन अप एक साथ बजाना है बिना किसी गैप के, ठीक है दोस्तों। पहले था डाउन, उसके बाद डाउन अप। अब तीसरा पार्ट इसका आता है अप डाउन अप, वो आपको करना है अप डाउन एक साथ, ठीक है दोस्तों। ये तीनों पार्ट अलग अलग पहले आपको समझना है। डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। अब जब आप इन तीनों में एक्सपर्ट हो गए हो, उसके बाद आपको ये एक साथ बजाना है, ठीक है। डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, ठीक है दोस्तों। अब दिक्कत कहाँ पे आती है मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत कहाँ पे आती है, आप उसको जैसे पढ़ते हो वैसे ही बजाते हो। ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में। देखो, आप उसको पढ़ोगे कैसे, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, मतलब आपको टाइमिंग समझ में नहीं आता है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे कन्फ्यूजन होता है, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। तो आपको रिदम मेंटेन करना है, मुंह से आप पहले बोलो उसे, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, टक 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 टक। अभी जो यहाँ पे गैपिंग है ना, वो देखो स्टाइल से गैपिंग हो रही है, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। आपको ये रिदम मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आप इसको बदल दोगे ना मुंह से, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, वो कुछ और बन जाएगा। तो पहले क्या है, डाउन डाउन के बाद आपने हल्का सा पॉज लिया, डाउन डाउन अप, फिर आपने डाउन अप किया, डाउन अप एक साथ आया, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, ये अप डाउन एक साथ है। तो तीन पार्ट में है, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, ठीक है दोस्तों। ये वाला स्ट्रमिंग पैटर्न आपको समझ में आ गया, ये इस तरीके से बजेगा। राइट, चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। ओके दोस्तों, जो अगला पैटर्न है वो इस तरीके से है। देखो, जो पहला पैटर्न था उससे मिलता जुलता है, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो गया, ये तो पहले पैटर्न से मिलता जुलता है। लेकिन ध्यान रखो, पैटर्न सेम है लेकिन टाइमिंग पर डिपेंड करता है। टाइमिंग अगर अलग कर दोगे तो बिल्कुल पैटर्न अलग बन जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या है, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलम वाइज देखो मैंने कैसे डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे टाइमिंग बढ़ गई है। तो यहाँ पे ये एक साथ है, डाउन डाउन अप जो आपका है ये अब एक साथ हो गया है, ठीक है। और अप डाउन अप जो लास्ट का पार्ट है वो एक साइड हो गया, दो पार्ट में बट गया केवल, ठीक है ना दोस्तों। यही जादू है दोस्तों गिटार का, ठीक है। जब आप रिदम समझ जाओगे ना, तो आपको इस तरीके से समझना है रिदम को, कॉलम वाइज की कैसे रिदम बटी हुई है, ठीक है। दोनों सेम है, देखो आप दोनों के दोनों, जब मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देखो दोनों के दोनों सेम है, लेकिन कॉलम बट जाने से ही, उनके रिदम बट जाने से ही वो दोनों अलग साउंड करेंगे। तो ये वाला कैसे आएगा, आपका फर्स्ट पार्ट डाउन डाउन अप एक साथ करना है विदाउट एनी गैप, और उसके बाद अगला वाला अप डाउन अप, ये भी एक साथ करना है विदाउट एनी गैप, ठीक है। तो आप दोनों पार्ट को सेपरेट सेपरेट प्रैक्टिस करो, उसके बाद इसको एक साथ ऐसे बजाओ, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है, मैंने बताया था जैसे आप पढ़ते हो वैसे आप बजाते हो। आप कैसे पढ़ोगे इसे, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। लेकिन ध्यान में क्या रखने के लिए बोला मैंने आपको, मुंह का रिदम, मुंह का रिदम पहले समझो, टक 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 टक, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। आप मुंह के हिसाब से चलोगे तो आपका हाथ भी वैसे चलेगा, ठीक है दोस्तों, डाउन डाउन अप, ठीक है ना। अगर मैं मुंह से बोलूंगा डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, तो आपका हाथ भी वैसे चलेगा, ठीक है। ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, इसी तरीके से काम करता है दोस्तों।
तभी आपने देखा होगा कि हम दो हाथों से लिखने में कभी कभी मुश्किल फेस करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन कंफ्यूज रहता है कि इससे क्या काम करें, इससे क्या काम करें। तो बेसिकली आपका मुंह जो बोल रहा है ना, आपके हाथ में वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब आप मुंह से उसको बोलोगे तो आप देखना, कोशिश करना, आपका हाथ भी वैसे काम करेगा। तो इसलिए आप मुंह से बोले इनको, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। इतना फास्ट नहीं करना चाहते तो उसका स्पीड स्लो कर दो। ओके, चलते हैं इसके थर्ड रिदम में, जो इस तरीके से है। स्क्रीन पे देखो किस तरीके से है। पहला पार्ट इसका रहेगा डाउन, सेकंड पार्ट अप डाउन अप डाउन, ये एक साथ रहेगा। उसके बाद अप डाउन अप डाउन, ये कंटिन्यू रहेगा। अप डाउन अप डाउन जो है वो कंटिन्यू है, मतलब दो बार बजता है वो, ठीक है। पहला पार्ट आपका डाउन, सेकंड पार्ट अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, दो बार है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको तीन पार्ट में किस तरीके से बजाना है, डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है दोस्तों, रिदम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको ये रिदम धीरे धीरे मेंटेन करनी है। तो ये था इसका तीसरा स्ट्रमिंग। ओके, आते हैं इसके चौथे स्ट्रमिंग पार्ट पे, जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इजी है। सबसे पहला पार्ट डाउन डाउन डाउन, ये ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। आपको समझने का तरीका अपने आप होना चाहिए यार, मैं तो केवल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से धुन को समझ सकते हैं, ठीक है। डाउन डाउन डाउन, उसके बाद अप डाउन अप डाउन, डाउन डाउन डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप। अब लास्ट में आपको एक डाउन कम करना है, अप डाउन अप बस, ठीक है। तो पहला पार्ट डाउन डाउन डाउन, सेकेंड पार्ट अप डाउन अप डाउन, उसके बाद लास्ट पार्ट अप डाउन अप, ठीक है। अब इन तीनों पार्ट को एक साथ बजाने की कोशिश करो, डाउन डाउन डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो जब आप इसमें ग्रूव करोगे अच्छे से, तो ये इस तरीके से साउंड करेगा और काफी अच्छा साउंड करेगा। राइट दोस्तों, ये था इसका चौथा स्ट्रमिंग पैटर्न। ओके दोस्तों, चलते हैं आखिरी स्ट्रमिंग पैटर्न की तरफ, जो है डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप। तो स्ट्रमिंग पैटर्न किस तरीके से है, डाउन अप ये आपको दो बार करना है, टक 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 टक, डाउन अप डाउन अप, उसके बाद लास्ट में जोड़ना है अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप। ये तो आपने सीख लिया, लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जो पहला वाला डाउन है ना दोस्तों, उसे झटके से मत मारो, उसको ग्रूविंग करके मारो। ग्रूविंग मतलब क्या होता है, ये ठीक है। तो मतलब जो आपने डाउन अप पहले किया ना, उसको ग्रूव में ऐसे लेके आओ, ऐसे, ये आपका पूरा डाउन रहेगा। अब आप पूरा बजाओ इस तरीके से, ठीक है। आपने पहला वाला ये था ना डाउन अप, ऐसे डाउन अप नहीं करना है, इसको कैसे करना है, ग्रूव अप करना है। ग्रूव अप मतलब एक साथ लूप करना है, ऐसे, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको करना क्या है, ये जो उंगली है ना आपकी उंगली, ऐसे जानी चाहिए, ऐसे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आएगा आपका, ये तो आपने कर दिया ग्रूव अप, उसके बाद डाउन अप, फिर अप डाउन अप, ग्रूव अप डाउन अप अप डाउन अप, ग्रूव अप डाउन अप अप डाउन अप, ग्रूव अप डाउन अप अप डाउन अप। राइट दोस्तों, सुनने में काफी अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। ये सारी स्ट्रमिंग पैटर्न्स बहुत इजी हैं, आप लोग इसे बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, एक हफ्ते तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, 100% आपको समझ में आएगा। बस आप केवल उन बातों पर ध्यान दीजिए कि कॉलम वाइज मैंने आपको कैसे सिखाया, रिदम कैसे लर्न करनी है, ठीक है दोस्तों। ये था आपका पांचवा स्ट्रमिंग पैटर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई गेस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आपको जो स्ट्रमिंग पैटर्न मैंने बताया दोस्तों, वो काफी अच्छे हैं, आप लोग उन्हें खुद इंप्रोवाइज कर सकते हो किसी भी सॉन्ग में। आप उन्हें डेली बजाइए, डेली इंप्रोवाइज कीजिए, खुद को ग्रूव कीजिए, अच्छे से अपने को एक्सपर्ट बनाइए, ठीक है। क्योंकि वो पांच स्ट्रमिंग पैटर्न्स जो है वो दोस्तों बहुत अच्छे हैं आप लोगों के सीखने के लिए, स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों। अगला लेसन जो होगा दोस्तों, वो गिटार लेसन के ऊपर होगा, और जो मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ही जल्दी म्यूजिक चैनल भी खुलने वाला है प्रोडक्शन के लिए, सो आप उसके लिए आप जरूर वेट कीजिए। विल बी कमिंग बैक सून विद मोर सॉन्ग्स एंड मोर लेसन्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।